नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दुर्गा पूजा की महाअष्टमी में हजारों की संख्या में महिलाओं ने देवी मां के समक्ष अंजलि देकर सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी। सुबह से ही दुर्गा मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में बेलपत्ता, फूल और पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। करीब 12 बजे पुरतोयों के द्वारा देवी मां का पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने दैविक मंत्र उच्चारण कराने के साथ ही अंजलि पाठ पढ़ाया गया। दुर्गा मंदिर परिसर में खीर का भोग प्रसाद के रूप में भी बांटे गए। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल जैसा माहौल दिनेशपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दिनेशपुर के अलावा क्षेत्र के 7 स्थानों में दुर्गा पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला आयोजन किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के बाद ये मेरी पहली पूजा है। पहले तो इतने साल मैं कोलकाता में पूजा मना रही थी, बट इस बार इधर मेरा पहला पूजा शादी के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद फील हो रहा है कि मैं बंगालियों के बीच में हूँ। मेरा घर दूसरी जगह पे है और मैं 40 किलोमीटर दूर आई हूँ ये वाला पूजा देखने। मुझे अब लग रहा है कोलकाता वाला वाइब आ रहा है। और कोलकाता में जो होता है बहुत भीड़ होता है और मूर्ति को इतना पास से नहीं देख सकते हम, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन है और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है मूर्ति के साइड से, तो अच्छा लग रहा है। मेरठ किनारे गांव में सोमवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा ने श्री कृष्ण गौशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीपक मीणा ने कहा कि हम सबको इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो सुविधाएं सरकार द्वारा गौशाला में दी जा रही हैं वो सभी सुविधाएं हम गौशाला में भी दिलवाने का प्रयास करेंगे, जिसके साथ क्षेत्र के सम्मानित लोगों को कोचिंग देकर जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। देखिए, आज यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला है जिसमें मुझे और बाकी सभी लोगों ने सहयोग से ट्रस्ट बना के इस गौशाला का निर्माण किया है। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि अगर कोई भी गौशाला है जो प्राइवेट है और रजिस्टर्ड बॉडी है तो उसका रजिस्ट्रेशन वो गौ सेवा आयोग में भी करवा सकते हैं और उसके बाद जब पंजीकृत हो जाएगा तो उसमें 30 रुपये प्रति पशु धनराशि उनको अनुमन्य है। तो मेरा अध्यक्ष जो है उनसे बात भी हुई है कि उसके लिए आप लोग अप्लाई कर दें, हम लोग करके जल्दी उसको करवा देंगे। फर्रुखाबाद में छत पर खेल रही मासूम की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई। 2.5 साल की मासूम बच्ची छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। परिजन मासूम को घायल लेकर पहुंचे सीएससी कायमगंज। डॉक्टर ने मासूम को गंभीर हालत में सेफई रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के चपटी नगर का है। श्रावस्ती में तहसील जमुना परिसर में ऐतिहासिक में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनसमुदाय और श्रमिक उपस्थित रहे। और चौपाल में महिला पुरुष श्रमिकों और सद्भावना संस्था के अध्यक्ष सदस्यों ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को अंगवस्त्र और गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने किसानों के कृषि विभाग के माध्यम से राय के बीज का निःशुल्क पैकेट प्रदान किया और पीयर एजुकेटर को टिफिन और थर्मस प्रदान किए। हाथरस में माहौल खराब करने के लिए गौवंश के अवशेष डाले गए। गौवंश के अवशेष मिलने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश नजर आया। सूचना पर पहुंचे परिसर प्रशासन के अधिकारी मामले में जांच पड़ताल में जुटे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक एडीएम सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। मौके से सभी अवशेष को कब्जे में लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रकरण में अज्ञात असामाजिक शरारती तत्वों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। प्रशासन की अपील, आगामी त्योहारों को लेकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा ना करें। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के सलेमपुर गांव के निकट खेत का एक बुरा मामला है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने जैसी दुर्घटना सहारनपुर में ना हो, इसके लिए जनपदवासियों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की गई। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इससे संबंध में सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन तारण ने जानकारी दी। इसमें हमारी तरफ से सभी प्रधानों की मीटिंग थानों पर ली जा रही है आज और उनको बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो और लोगों की जान खतरे में पड़े। साथ ही जो सड़क पर ऐसे वाहन चल रहे हैं उनको चेतावनी दी जा रही है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। जो नहीं मानते हैं या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जनपद में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उन पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और स्वयं सेवी संगठनों की मदद लेकर
अलग अलग थानों में रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। सर, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ अन्य कमर्शियल वाहन जैसे टाटा 407 मैक्स पिकअप है, उनमें भी सवारी ढोते हैं बहुत से लोग, उनके लिए भी कोई जागरूकता अभियान चला रही है? जी बिल्कुल, उसमें भी जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करते हुए इस प्रकार के वाहन सड़क पर संचालित करते हैं और यात्री ढोते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्यवाही करेगी। पीलीभीत में यातायात पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने लगा है, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी ने पीलीभीत यातायात पुलिस को 500 रुपए देते हुए वीडियो ट्वीट किया था। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। यातायात पुलिस के द्वारा ही चालान का पैसा लिया गया। पुलिस की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया। आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हुई है। शहर के गोहनिया चौराहे का एक पूरा मामला। हरदोई में खुदरा बैंकिंग सेवा के अफसर कमलेश वर्मा की साहचापुर रोड पर कुरिया गांव में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अचानक टायर फटने से उनके कार डिवाइडर से टकराते हुए वहां खड़ी जेसीबी में जा भरी। इस हादसे में बैंक अफसर कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। आनन फान में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया। इसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कुरिया गांव है, वहां पर आज एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें साहचापुर से हरदोई की तरफ एक तेज कार आ रही थी और उसका टायर फटने से वो डिवाइडर टकरा गई है। और उसमें जो व्यक्ति थे कमलेश, जो कि डिप्टी मैनेजर थे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में, उनकी डेथ हो गई है। सीसीटीवी में पता चला है कि काफ़ी तेज कार थी। पुलिस मौके पहुंची है और शव का पंचनामा भर के पोस्ट मार्टम में भेजा जा रहा है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एसपी के निर्देशन में अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाना जहानगंज पुलिस, आबकारी पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 25,000 के नामी बदमाश सहित लगभग 24,00,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। थाना कमलानगर ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है राधेश्याम यादव पुत्र गौरीशंकर, ये निवासी थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद के रहने वाला है, और दूसरा मांगूराम जाटो पुत्र राम भरोसी, ये सिकुहागा फिरोजाबाद का रहने वाला है। दोनों बहुत ही अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके विरुद्ध आधा दर्जन ज़्यादा मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। दोनों के विरुद्ध 10-10 मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके ऊपर पूर्व से गैंगस्टर के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। ये लोग मुख्य रूप से नशाखोरी का काम करते हैं कि जो भी राहगीर होता है, यात्री होता है, उसको नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद उनका सामान लूटकर और चोरी करके भाग जाते हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन और नशीला पदार्थ बरामद किया है। नवरात्र का आज 8वां दिन है। जगह जगह माता के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के वटवासनी समय माता मंदिर पर सपा विधायक सईदा खातून ने फलहार कार्यक्रम आयोजित कर भक्तों में फल वितरित किए। इसी दौरान सपा विधायक सईदा खातून ने हाई मास्क लाइट का भी भूमि पूजन किया। सईदा खातून का बयान है कि स्त्री बहुत सरल स्वभाव की होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो दुर्गा का भी रूप ले लेती है। पीलीभीत में कानपुर में हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करते हुए यहां के आरटीओ वीरेंद्र कुमार ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली मधुटाना रोड से निकलती हुई टनकपुर रोड पर जा रही थी कि नकटादाना चौराहे पर एआरटीओ अपने स्टाफ के साथ कहीं जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी। उन्होंने इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया तो उस पर तकरीबन 30 लोग थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे सवार थे। एआरटीओ ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर इसको सीज कर लिया। साथ ही साथ चालान की भी प्रक्रिया की गई। मुख्य जी के निर्देशों के में सड़क सुरक्षा के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के ट्रैक्टर रोकी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा करना न सिर्फ जो है मानवीय सुरक्षा के दृष्टि से, बल्कि जो है हर दृष्टि से खतरनाक है। इसीलिए जो है ट्रैक्टर ट्रॉली रोक करके जो यहाँ के लोग आए हुए हैं वो अपने साधनों से जाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया जाएगा। आगरा के कमला नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कमला नगर पुलिस ने 2 हिस्ट्री ट्यूटर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हिस्ट्री ट्यूटर के पास से मोबाइल के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। दोनों शातिर अपराधी हैं और आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिला फरीदाबाद के रहने वाले शातिर अपराधी लूट, चोरी, जहर खुरानी और चुनौती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सीतापुर के जवाहरपुर डमलिया शुगर मिल में एक और बड़ा हादसा हुआ। शुगर मिल में काम करते समय मजदूर हादसे का शिकार हुआ। टैंकर के नीचे दबने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शुगर मिल के अधिकारियों के निर्देशन पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मीडिया का रास्ता भी बंद कर दिया।
बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने चोरी और गुमशुदा 125 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में गुमशुदा मोबाइल के मालिकों को बुलाकर अपने हाथों से उनके मोबाइल वापस किए। आज दिनांक 3 अक्टूबर को ये सर्विलांस सेल बस्ती के द्वारा लगभग 125 मोबाइल, जिनकी बाजार में कीमत 16.5 लाख के लगभग होगी, इनको बरामद किया है। पिछली पीसी हमने इसी संबंध में 18 जुलाई को की गई थी, तो पिछले 2.5 महीने में ये 125 मोबाइल सर्विलांस सेल ने अथक प्रयास से बरामद किए हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी कार्रवाई करके जो हमारे पास एप्लीकेशन आती ही रहती हैं फ़ोन जो गुमशुदगी होने की, उन सबकी जानकारी करके उनके धारकों को उपलब्ध कराएंगे। अभी तक कितने मोबाइल हैं और कितने लोगों को दिए? आज इस पीसी में 125 मोबाइल और लगभग 16.5 लाख रुपये की कीमत के मोबाइल वापस किए जा रहे हैं उनके धारकों। ललितपुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को रौंद दिया। 2 की इलाज के दौरान झांसी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। थाना बार अंतर मेला ग्राउंड का ये पूरा मामला। चमोली की प्रमुख नदियों में से एक पवित्र पिंडर नदी इन दिनों अपने अस्तित्व के लिए खून के आंसू बहा रही है, जिसे हिंदू धर्म के अनुयायी अपने लिए गंगा जल, गंगा स्नान करने और पिंडर नदी के जल पर पीने के पानी के लिए आश्रित सभी लोग परेशान हैं और बहुत ही आहत हैं। लेकिन उसी पिंडर नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों और जलीय जीवों के जीवन के लिए चिंतित कोई दिखाई नहीं देता। दरअसल बात यह है कि बरसात के दौरान सभी नदी नालों का गंदा रहना तो स्वाभाविक है और यही हाल हर बरसात में पिंडर नदी का भी रहता है। लेकिन बरसात के बाद भी इस पवित्र पिंडर नदी का जल गाढ़े मिट्टी को अपने साथ बहाकर ला रहा है, जिस कारण इस नदी के पानी पर निर्भर रहने वाले कस्बों के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।